दिनों में कश्मीर में सियासत जो है उसको गरमाने की कोशिश की गई है कि वोटिंग राइट का एक इश्यू बना के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने ये कहा कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो उन लोगों को मिलेंगे जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर, वो बिल्कुल एक लीगल और फैक्चुअल जो है रियलिटी है। उस बयान का दूसरा हिस्सा जहां पे उन्होंने नंबर्स की बात, उस नंबर को खाली पकड़ा जा रहा है और उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में जुड़ी हुई। तो जो पहला हिस्सा उसका है उसको अगर आप देखें तो वोटिंग का राइट किसको मिलेगा इसके ऊपर जो है वो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 के पहले की अगर आप सिचुएशन देखें तो जम्मू कश्मीर में अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, उस एक्ट के तहत जो वोटिंग होती थी असेंबली में जो है वो लिमिटेड होती थी उन लोगों के लिए जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट होते। लेकिन जब कानून में बदलाव हुआ तो हमारे ऊपर अब अप्लाई करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 जो बाकी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अप्लाई करता है, तो वही कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अपना नाफिस है जो बाकी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर है। यहाँ कोई अलग से कानून नहीं लग रहा है। जो कानून पंजाब में है, जो महाराष्ट्र में है, जो केरला में है, जो गुजरात में है, वही कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर भी है। जम्मू कश्मीर को कोई एक्सेप्शन नहीं ट्रीट किया जा रहा। जो ऑप्शन बाकी जगह पे लोगों को है, हिंदुस्तान के सिटीजन को है, वो यहाँ पे भी है। अगर मैं जम्मू कश्मीर से उठ के बॉम्बे में चला जाता हूँ काम करने के लिए और मुझे वहां पे काम करने की अगर मंशा है तो मैं वहां पे जाके अपना वोटिंग राइट वहां पे बना सकता हूँ, अपना वोटर वहां पे बन सकता हूँ अपना यहाँ से वोटर खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में, तो वही तो राइट बाकियों को भी दिया जा रहा है। नंबर की अगर बात करें, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ए पोलिटिकल है, वी कैनॉट कमेंट अपॉन एनी स्टेटमेंट विच इज मेड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नंबर की अगर बात करें तो नंबर जो है, जैसे बाद में गवर्नमेंट की क्लेरिफिकेशन आई कि एंटीसिपेटेड आर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन अबव 18 इयर्स ऑफ एज इज अबाउट 22.96 लैक्स अबव द वोटर्स हु हैव ऑलरेडी बीन मेड। सो मे बी इट इज इन रेफरेंस टू दैट, बट वी कैनॉट से एज ए बिकॉज वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नोबडी कैन डू इट। द गवर्नमेंट्स क्लेरिफिकेशन प्रोबेबली इज ए रिफ्लेक्टिव अपॉन व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। कश्मीर में खासकर आल पार्टी मीटिंग कन्वीन की जाती है जिसमें गुपकार अलायंस के नए पार्टनर भी बन गए, नए नए लोग जो है वो सामने आ रहे हैं और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं कौन सी पॉपुलेशन जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के बीच में वोट डालने के लिए। कानून को पढ़ा नहीं और बयानबाजी शुरू हो गई, कोई नई पॉपुलेशन जो है वो मूव इन नहीं होगी जम्मू कश्मीर में, कोई नए लोग जो है वो वोटर बनने के लिए जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का राइट उन्हीं को होगा जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, और इसमें कोई बड़ी ज्यादा चेंजेस आ जाए ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन वोटिंग राइट जैसे कानून में बदलाव हुआ तो आपने वोटिंग राइट जो है वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को देना है, जो गोरखा कम्युनिटी है उनको भी देना है, वाल्मीकि समाज को देना है, जिनको स्टेट सब्जेक्ट के राइट जो है डिनाई थे उनको भी देना है, और जो नए 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे जो हैं जिनका राइट हो गया वोट देने का उनको भी तो राइट देना है। तो कुल मिला के एक गलत स्टेटमेंट ये दी जा रही है कि वोटिंग राइट को लिमिट कर दीजिए डोमेसाइल होल्डर्स पर। देखिए, डोमेसाइल होल्डर का कोई कनेक्शन वोटिंग राइट के साथ नहीं है, इस चीज को हम वाजे तौर पर समझते हैं और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। वोटिंग राइट अलग चीज है, डोमेसाइल जो है वो एक अलग चीज है। डोमेसाइल का कंसर्न वोटिंग के लिए नहीं होता, डोमेसाइल जो है वो लैंड होल्डिंग के लिए है, डोमेसाइल का यूज जो है वो सर्विसेज के लिए है। जो वोटर होगा उसको ऑटोमेटिकली डोमेसाइल राइट नहीं मिलेगी, वो डोमेसाइल सर्टिफिकेट उसको नहीं मिल जाएगा, और डोमेसाइल तक ही वोटिंग राइट हो ये भी कानून नहीं है। जो कानून के हिसाब से हो रहा है वही हो रहा है जो होना चाहिए। अगर तो जम्मू कश्मीर में कोई खास तौर पे कानून ऐसा बनाया जाता जो बाकी पूरे हिंदुस्तान पे नाफिस नहीं होता तो किसी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत होती, अब तो वही कानून है जो बाकी हिंदुस्तान में है। तो मुझे लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप है और इसके ऊपर अगर सियासत की जा रही है तो सिर्फ इसलिए कि जो अपोजिशन पार्टी है दे आर लुकिंग फॉर इलेक्शन स्लोगन्स, ग्राउंड के ऊपर उनको स्लोगन्स मिल नहीं रहे।
तो इसलिए स्लोगन्स की तलाश में वो बयान वो देते हैं जिनको वो समझते भी है कि वो गलत है। मैं ये मानता हूं कि गुपकार अलायंस भी हो और जो उसके नए पार्टनर्स हैं उनमें भी काफी लोग ऐसे हैं जो कानून की पोजीशन को समझते हैं, बावजूद इसके कि वो कानूनी पोजीशन को समझते हैं, सेक्शन 18, 19, 20 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को जानते भी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई जुलाई में जिसमें क्लियर किया गया अबाउट सर्विस पर्सनल जो वोटिंग राइट ले सकते हैं, बावजूद इसके वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जो कि बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट। नॉन वोटर्स का जो हालांकि फिगर से तो उन्हें कमेंट किया है, लेकिन नॉन वोटर्स का जो से ऐड किया है सीओ साहब ने या डीआईपीआर ने तो क्लेरिफिकेशन दी है। पहले तो इस चीज को देखें कि लोकल और नॉन लोकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कोई डिफाइन नहीं, ना ही इस तरह की कोई डेफिनेशन जो है कहीं पे इस्तेमाल हुई है। डेफिनेशन जो इस्तेमाल हुई है वो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप किसको लोकल कहते हो किसको नॉन लोकल कहते हो ये रिलेटिव टर्म है। अगर कानूनी तौर के ऊपर जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है मतलब जिसकी मंशा यहाँ पे रहने की है, वो नौकरी करने के लिए होगा या बिजनेस करने के लिए होगा या किसी और पर्पज के लिए, कैजुअल विजिटर जो है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वी आर वेरी क्लियर अपॉन दिस। अगर कोई आदमी कैजुअली विजिट करने के लिए यहाँ पे आया तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। जो एप्रीहेंशन है कि नॉन लोकल्स का मतलब है कोई फ्लोटिंग पॉपुलेशन होगी जो कश्मीर में आ जाएगी या जम्मू में आ जाएगी उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कानून के हिसाब से जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जिसके यहाँ पे रहने की कोई वजह है, कोई वजह की वजह से वो रह रहा है, जो कैजुअल विजिटर नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है या पिलग्रिम नहीं है, उसको वोटिंग राइट है। तो ये लोकल और नॉन लोकल का मुद्दा जो है ये कोई नया मुद्दा खड़ा करने की जरूरत है क्या? महाराष्ट्र में जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से आके लोग बसते हैं तो वहां पे वोटिंग राइट जो है कोई भी बना सकता है। तो क्या महाराष्ट्र में जब वोटिंग राइट बन गए बाकी सब के भी तो महाराष्ट्र की क्या लोकल आइडेंटिटी खत्म हो गई? आज दिल्ली में चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली का रहने वाला नहीं है, वो है हरियाणा का रहने वाला, लेकिन उसने आपको रजिस्टर करवाया कश्मीर दिल्ली में वोट बनने के लिए, तो वोट बना। अब अगर किसी की कैजुअल विजिट नहीं है, उसकी रीजन है कोई रहने का, तो उसको वोटिंग राइट लेने का हक है। जी आपके क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, वी ट्राई टू आंसर बोथ ऑफ देम। एक आपने पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की, तो जो नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में जो आई है उसमें ये क्लियर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल who is stationed in a peace station, peace area, he may have an option to opt कि वो अपनी state में वोट अगर रखना चाहता है तो रखे या cancel कर सके, कहीं और करना चाहता करे। peace area कौन सा है? कश्मीर में तो है नहीं, तो खतरा किस बात का है? जम्मू में भी peace area जो है हार्डली एक या दो है। तो एक ये फिजा बनाने की कोशिश की गई, पता नहीं लाखों की तादाद में जो है वो वोट जो है कहीं पे बनने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस की डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफिकली दी हुई है सेक्शन 20 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जिसमें है कि अगर किसी की काम करने की मंशा से कोई नौकरी ज्वाइन करता है, कैजुअली नहीं करता है, सिर्फ वोट बनाने के लिए अगर कोई आएगा तो उसका वोट नहीं बनेगा, लेकिन अगर कोई नौकरी करता है यहाँ पे, कोई बिजनेस कर रहा है और फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो इट इज सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, और व्हाट टाइप, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये डिफाइन नहीं है कि कितने सालों में है। इट इज सब टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑफिसर, द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द डायरेक्टिव व्हिच विल बी गिवन बाय देम और द पर्सन हु इज रजिस्टरिंग देम, ही हैज टू टेक ए कॉल दैट द पर्सन इज हियर फॉर ए परमानेंसी और सेमी परमानेंसी, सो दैट ही इज नॉट ए कैजुअल विजिटर। वी हैव टू डिस्टिंग्विश द पर्सन हु इज सेटलिंग हियर एंड फ्रॉम ए पर्सन हु इज वर्किंग हियर विद द पर्सन हु इज कैजुअल विजिटर हियर। कंसर्न ये जरूर होना चाहिए कि कैजुअल विजिटर जो है उसके आने से इंप्लक्स नहीं बढ़ जाए, तो कैजुअल विजिटर का वोटिंग राइट लेने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ए पर्सन हु इज लिविंग हियर फॉर से 2 years, 3 years, मे बी 10 years और 15 years, टू टेल दैट यू हैव नो कंसर्न, यू कैनॉट कास्ट ए वोट हियर इन एनी स्टेट, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट टेक दैट कश्मीर इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया एनी मोर। We think that we are almost very near to peace in Kashmir. Largely, the peace is returning here. There may be some incident of selective killings or selective targeting also, but peace has majorly returned in Kashmir. So, again, taking Kashmir to be a disturbed area is, I don't think, it's the right question. Peace area
का कंसेप्ट जो है वो डिफेंस पर्सनल्स के लिए है कि ए पर्सन हु इज पोस्टेड इन ए पीस एरिया ही मे बी हैविंग ए राइट, ए पर्सन हु इज नॉट पोस्टेड इन ए पीस एरिया ही मे नॉट बी हैविंग ए राइट. दैट इज सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन. सो फॉर एज द सिविलियंस आर कंसर्न देयर इज नो सच बार ऑफ पीस एरिया आर डिस्टर्बेड. सर दैट विल डिपेंड अपॉन द ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड सिचुएशन, द वे द पीस इज रिटर्निंग टू कश्मीर वैली and the other areas which were affected areas, and with the speed, with the pace which it is going, I don't think that today is far when this disturbed area act will be taken back. It is all dependent upon how early we can return to peace. मैं दो चीजों का आपका आंसर देना जरूर चाहूंगा. एक तो आपने पहले कहा कि स्टेट सब्जेक्ट्स को कन्वर्ट किया डोमिसिलरी सर्टिफिकेशन में. This is not a correct position. Domiciliary certificate is not a replacement of PRC or state subject. PRC or state subjects were the creation of Article 35A, जिसमें exclusion किया जाता है, exclusion to the rule, exception to the rule. Exception to the rule is something which has been finished in on 5th of August 2019. We are living in a rule now. We are not an exception. We don't want to create another exception. Number two, आपका ये कहना कि जो जिसको आप ब्रैकेट करना चाहते हो नॉन लोकल पॉपुलेशन को कि उनको टारगेट किया गया, आर इवन लोकल पॉपुलेशन इन नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट दे आर बीइंग सेलेक्टिवली टारगेटेड माइनॉरिटीज जो आर बीइंग टारगेटेड. वी अंडरस्टैंड दिस कि हमने कश्मीर को काफी कुर्बानियां देने के बाद जो है अपने साथ बना के रखा. इट इज नॉट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस. हर हिंदुस्तानी कुर्बानी दे के कश्मीर को अपने साथ रखे है, और अगर आगे कुर्बानियां देनी पड़ेंगी तो हिंदुस्तानियों को कुर्बानियां देने में कोई एतराज नहीं होगा. लेकिन कश्मीर से कोई दोबारा माइग्रेशन नहीं होगी. आई कैन एश्योर यू वन थिंग, कोई डर, चाहे वो गोली का डर होगा या कोई और होगा, दोबारा कश्मीर से माइग्रेशन नहीं करवा पाएगा, ना ही हम होने. दिस हैज टू बी अंडरस्टूड बाई एवरीबॉडी. ना हम डर सकते हैं, ना हमको कोई डरा सकता है. एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड वी आर लिविंग बाय रूल ऑफ लॉ. डर और खौफ से जो है किसी को भगाया जा सकता है, ये अब नहीं होगा. सॉल्यूशन नहीं होती. अगर मुकाबला करना है तो डट के मुकाबला करना पड़ेगा. उसके लिए कुर्बानी देने की भी अगर आगे आना पड़ेगा तो हर कोई आदमी जो है वो तैयार है. भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हमेशा तैयार है. पार्लियामेंट ने बीजेपी का सपोर्ट किया 370 अगर क्वेश्चन के लिए, लेकिन आज वो भी मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी दे सकता है. देखिए, समझना चाहिए कि वो किनको अपने साथ बिठा रहे हैं. शिवसेना जो है वो गुपकार अलायंस के साथ इसलिए बैठती है क्योंकि ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का फॉल आउट है. वी अंडरस्टैंड दिस. अगर डॉक्टर फारूक साहब शिवसेना की स्टेटमेंट्स को इग्नोर करके पास्ट की अपने साथ बिठाना चाहते हैं तो दे कैन डू इट. वी कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट. वी थिंक दैट शिवसेना कमिंग विद गुपकार अलायंस शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ शिवसेना विच इज कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र पॉलिटिकल सीनेरियो. वी अंडरस्टैंड दैट.